नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल अनु मिस में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो है हम लोग अनुप्रास अलंकार को कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने लाटानुप्रास तक पढ़ लिया था। तो फिलहाल फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर हैं तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार में अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है? तो देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार अगर देखें तो अंत्या अंत्या मतलब कि अंत की, अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो अंत्यानुप्रास में होता है कि जहाँ पर जिस पद में अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक बार फिर से कह रहे हैं कि जब किसी पद में अंतिम वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगर आप परिभाषा नोट करना चाहते हैं तो आप कॉपी और पेन ले कर बैठे, आप जो है अगर चाहें तो आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप परिभाषा नोट करते चलेंगे, आप जो एक प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो आप जब भी वीडियो देखें तो जो है एक कॉपी और पेन ले कर बैठें। तो चलिए देखते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार क्या होता है। तो इसमें जो है अंत्य का जो पद होता है, अंतिम जो पद होता है उसकी आवृत्ति होती है। उदाहरण देख लेते हैं, जैसे वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग वाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। देखिए, वे रहीम नरधन्य है पर उपकारी अंग वाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इस बीच में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ पर कि उसकी आवृत्ति हो रही हो। जैसे वो यहाँ पर व से शुरू हुआ है, यहाँ र हो गया, न हो गया, ध हो गया, यहाँ देखिए प हो गया, उ हो गया, यहाँ पर कोई भी आवृत्ति नहीं हो रही है। उसके बाद नीचे देखते हैं वाटन वारे को लगे, यहाँ भी देख रहे हैं आप अलग अलग जो है वर्ड से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर जो है और भी कोई अनुप्रास अलंकार हमें समझ में नहीं आ रहा है, अंत में चलते हैं। देखिए यहाँ पर है अंग और नीचे वाली लाइन में है रंग, यानी कि इस शब्द का अंतिम जो वर्ड है वो ग है और नीचे वाला जो शब्द रंग है इसका भी अंतिम वर्ड जो है वो ग है। यानी कि यहाँ अंत्य वर्ड जो कि ग ग आ रहा है इसी की आवृत्ति हो रही है। तो अभी हमने क्या पढ़ा अंत्यानुप्रास में कि अंत्यानुप्रास अलंकार में जो लास्ट वाला वर्ड जो है आवृत्ति करता है, यानी कि लास्ट वाला वर्ड जो है वो बार बार आता है। तो देखिए अंग यहाँ पर भी ग आया है और नीचे वाली लाइन में भी अंत में ग आया है, तो ग ग की जो है आवृत्ति हो रही है, यानी कि अंतिम जो वर्ड है हमारा ग उसकी आवृत्ति हो रही है। तो जब अंतिम वर्ड की आवृत्ति होती है तो क्या होता है, अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में हमारा हो जाएगा अंत्यानुप्रास अलंकार। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे एक उदाहरण है लगा दी आकर किसने आग, कहाँ था तू संशय के नाग। लगा दी आकर किसने आग,
कहाँ था तू संशय के नाग। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शुरू में जो है कोई ऐसा वर्ड नहीं है, कोई ऐसा वाक्यांश नहीं है, कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसकी जो है आवृत्ति हो रही हो। लेकिन जब आप देखेंगे कि इस पद के अंत में, तो देखिए इस पहले वाली लाइन के अंत में आग है और दूसरे वाली लाइन में जो है यहाँ पर नाग है अंत में, और आग का अंतिम वर्ड ग है और नाग का भी अंतिम वर्ड ग है, यानी कि इस पद में जो हमारा अंत्य वर्ड ग आ रहा है इस ग की जो है आवृत्ति हो रही है। तो जब अंत्य वर्ड की आवृत्ति होती है तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो इस उदाहरण में भी हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है और ये एग्जाम में भी आ चुका है और बहुत बच्चे जो है इसमें गलती कर जाते हैं। अब देखिए मान लीजिए यही उदाहरण आपको दे दिया जाए तो आप इसमें कौन सा अलंकार बताएंगे? देखिए, झांक न झंझा के झोंके से, झुककर खुले झरोखे से। यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे बहुत बच्चे कि देखिए झ झ झ यहाँ भी झ यहाँ भी झ झ वर्ड की आवृत्ति हो रही है। लेकिन एक और बात देखिए, अंत में अगर हम चले इसके तो अंत्य वर्ड स की भी आवृत्ति हो रही है, यानी कि इस पद में जो हमारा अंत्य वर्ड आ रहा है उसकी भी आवृत्ति हो रही है। यानी कि इसमें दो चीज आपको मिल रहा है कि वर्ड की भी जो है इसमें आवृत्ति हो रही है और अंत्य वर्ड की भी आवृत्ति हो रही है। तो अब इसमें कन्फ्यूज होंगे कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। दो इसमें ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो अभी जो हमने पढ़ा अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार अंत्य पद के सहायता से, और दूसरा जो छ छ झ झ झ वर्ड की आवृत्ति हो रही है इसके अनुसार वृत्यानुप्रास हो जाएगा इसमें, यानी कि वृत्यानुप्रास। इसमें आपको दो अनुप्रास दिख रहा होगा, एक अंत्यानुप्रास एक वृत्यानुप्रास। तो अब यहाँ पर हम कैसे कंफर्म करेंगे कि ये अलंकार है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है आपको ऑप्शन से जो है पता लगाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में केवल अनुप्रास अलंकार दिया है और उसके बाद यमक है, श्लेष है और भी सारे अलंकार दिए हो और केवल अनुप्रास अलंकार दिया है, उसके भेद नहीं दिए हैं, तब तो आपको कन्फर्म होगा कि अनुप्रास अलंकार आप लगा देंगे, चाहे कोई भी अनुप्रास अलंकार का प्रकार हो, ये अनुप्रास अलंकार हमारा है। लेकिन अगर अनुप्रास अलंकार के भेद दे दिए जाएं कि इसमें बताइए श्रुत्या, अंत्या, लाटा, छेका, इसमें कौन सा अलंकार है, तो जहां तक हमें दो कंफ्यूजन है, तो जहां तक कि हमें पता है दो अलंकारों में कंफ्यूज है, अंत्या है कि वृत्या है। तो यहाँ पर जो है अगर आपके ऑप्शन में अंत्यानुप्रास और वृत्यानुप्रास दोनों ही दिया है तो आप वहां पर सही करेंगे वृत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि झ वर्ड की आवृत्ति हो रही है। यहाँ भी झ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 1 2 3 4 5, तो झ की जो है आवृत्ति हो जाएगी कितना? 4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वर्ड की आवृत्ति एक से अधिक बार आ रही है, तो यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में वृत्यानुप्रास अलंकार नहीं दिया है, अंत्यानुप्रास अलंकार दिया है, तो आप जो है वहां पर अंत्यानुप्रास को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि अंत्य वर्ड जो हमारा स है, स की आवृत्ति हो रही है। अगर ऑप्शन में वृत्यानुप्रास नहीं है तो आप अंत्यानुप्रास लगाएंगे, अन्यथा आप वृत्यानुप्रास को ही जो है सही करेंगे। तो ये जो है आप उदाहरण देख लीजिएगा, एग्जाम में भी आया हुआ है इक्वेशन। तो फिलहाल फ्रेंड्स इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हिंदी की क्लास में कहीं भी जो हमने पीछे पढ़ा दिया उसमें कोई भी डाउट हो तो भी जो है आप हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो उस पर वीडियो भी बना सकते हैं, अगर कई सारे लोगों का कन्फ्यूजन हो तो। तो फिलहाल फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो जरा भी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक और शेयर तो बनता ही है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।